सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप गाइज कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और गाइज स्वागत है आपका एक बार फिर से ये मेरे एक नए व्लॉग में। उम्मीद है गाइज कि पिछला व्लॉग जो आपने सही से देखा होगा, मतलब इन्जॉय किया होगा जब मैंने साहिल भाई को मिलाया है। बाई चांस गाइज अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर गाइज आप उस व्लॉग को सीधे ही चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी मज़ेदार व्लॉग बना है आज का ये जो व्लॉग है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। बस आज का ये व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहली बार आप चैनल पर विजिट करो या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी भी बजा दे ताकि जब कभी मैं नया व्लॉग अपलोड करूँ तो उसकी घंटी सीधे आपके मोबाइल में बज जाए, मतलब कि नोटिफिकेशन आपको आ जाए मेरे नए व्लॉग की और आप मेरा आने वाले व्लॉग को मिस ना कर सको। तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी भी बजा दे। तो चलिए गाइस करते हैं व्लॉग को शुरू। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है तो अभी सुबह के बज रहे हैं करीब 10:30 और मैं अभी जा रहा हूँ गाइस अपने यहाँ पे पास में कि मैं रखे थे वहाँ पे घास लेने के लिए, क्योंकि गाइस मम्मी जा रहे हैं वो गए हैं नानी के यहाँ पे, क्योंकि नानी थोड़े से बीमार चल रहे हैं तो उनका हाल चाल पूछने गए मम्मी। तो मैं अभी जा रहा हूँ गाइस घास लेने के और घास में लेके आऊँगा इस शॉल में। तो चलिए घास लेते हैं, लेके आते हैं फिर आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी हर कुछ ऐसा है कि देखो मैं दूसरा शॉल तो लाया नहीं था रखने के लिए, तो बाहर जो शर्ट पहनी थी ना उसको मैंने इस तरह से सिर के ऊपर दिया है और देखो इस तरह से घास लेके जा रहा हूँ मैं अभी। तो भाई ऐसा सवाल है अभी ऐसी जगह, ये भारत तो नहीं है बट ये ऊपर से घास थोड़ा बहुत चुभता है, बस वो दिक्कत रहती है ना। बारह बजे तो कुछ नहीं क्योंकि सूखा घास है और माइक वगैरह इस टाइम पे गाइस मेरे को माइक लगाने का टाइम नहीं मिला, तो ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना क्योंकि ऊपर देखो भाई इस तरह से दोनों हाथ लगे हुए ऊपर और बड़ी मुश्किल से मैंने ऐसे सब चीख पकड़ी है फिर जाके मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। हाय 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 हाय। तो गाइस कुछ इस तरह से मेहनत भरी जाती है पहाड़ों की ज़िंदगी। थोड़े तो रेस्ट करते हैं फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो गाइस लग गया था, मैंने घास भी अपने गायों बैलों को डाल दिया था और अभी की बात करें तो गाइस अभी मैंने फिर से वही शर्ट मैंने झाड़ के साफ़ करके फिर से पहन लिया क्योंकि गंदी तो नहीं थी, जस्ट घास ही लेके आया था ऊपर सूख घास था, सूख घास क्या फंसना ऊपर तो ठीक ठाक किया। एंड मैंने वीडियो में देखी काफ़ी सही शर्ट लगी तो मैंने फिर से वही पहन ली। एंड अभी का मौसम गाइस अभी मौसम देखो इस तरह, देखो किस तरह का पीछे मौसम रखा है और अभी देखो दूर दूर पहाड़ों पे बादल हैं एंड इस तरह कुछ धूप निकली हुई है। और ऐसे मौसम में गाइस पहाड़ी काकड़ी यानी पहाड़ी खीरे का आनंद ना लिया जाए तो फिर तो क्या ही, मतलब क्या ही ज़िंदगी है ना। तो चलिए गाइस अभी मैं यहाँ पे मक्की में मैंने हमें कहीं पे हमने बो रखी है पहाड़ी काकड़ी पहाड़ी खीरा, तो उसको सर्च करते हैं, अगर मिलती है तो ये हमारा लक है, अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं हम आराम करेंगे, लेकिन आई होप 100% गारंटी की मिल ही जाएगी क्योंकि एक जगह नहीं बो कर रखी हमने, काफ़ी जगह उसकी जो बेर बोलते थे जो लंबी लंबी ऐसे होती जहाँ पर जिस यहाँ पर खीरे लगते हैं, तो चलो आपको सिर्फ दिखाते हैं कि कहाँ पर कैसे लगती है। तो गाइस मेरे को यहाँ पे मक्की के खेत में आए हुए करीब 5 मिनट हो गए, लेकिन खीरे वगैरह तो वो जो यहाँ पर खीरे लगते हैं वो खीरे की जो बेर वो मिली नहीं मेरे को, बस कट वगैरह लगे क्योंकि मक्की के जो पत्ते देख पा रहे गाइस ये किसी चाकू से कम नहीं गाइस, जब इस मक्की के खेत में ऐसे आगे गुजरना है ना से तो इसके जो कट वगैरह बहुत ज़्यादा बज रहे हैं, यानी कि उस टाइम पे ज़्यादा बजते हैं जब हम मक्की के एक एक पौधे को एक एक पौधे के जो तना है उसमें हम ऐसे खाल जाने हैं तो तब बहुत कट बजते गाइस उस टाइम पर। तो एक काम करते घर के सामने भी एक बेर लगाई जहाँ पर खीर बोए हैं तो वहाँ पर ढूंढते हैं, अगर वहाँ पर मिलते तो ठीक है। यहाँ पर खेत तो मेरे को पता नहीं कि कहाँ कहाँ बोके रखे क्योंकि मम्मी को ही पता, मम्मी ने ज़्यादा उस टाइम मम्मी ही बोते हैं तो उनको ही पता होगा। तो गाइस करीब 15 से 20 मिनट की नाकाम कोशिश के बाद मुझे खीरा नहीं मिला, ढूंढने पे तो वैसे भगवान मिल जाते लेकिन मेरे को खीरा नहीं मिला। वो पार पहाड़ के जो बादल है ना कितने मस्त लग रहे हैं, तो अभी इनका टाइमलेस रहते काफ़ी अच्छा टाइमलेस आएगा इन बादलों का, तो आप इन्जॉय करना उनको, ठीक है। तो गाइस कुछ टाइम के बाद मैं एक बार फिर से यहाँ पे ट्राई करने आया हूँ कि मेरे को ककड़ी मिलती है या नहीं। तो देखो गाइस एक तो ये है, इसको हाथ निकालना वरना पता नहीं ये सड़ वगैरह जाती है, तो एक तो ये तो छोटी है, एक है गाइस ये देखो ये तो ठीक ठाक है, इसको अपन ले जाएंगे आप एंड खाएंगे फिर। तो गाइस फाइनली इतनी मेहनत के बाद एक ककड़ी हाथ में आई, लेकिन अब इसको खाने का तो मेरी इच्छा रही नहीं क्योंकि मैंने इसको खाने के साथ खाना था तो दोपहर का खाना तो मैंने खा लिया, अब उसके बाद इसको खाने की इच्छा नहीं, अब इसको शाम के टाइम पर खाएंगे खाने के साथ। और इसको मैं सुबह से ढूंढ रहा था जब मैंने घास लेके आया ना उसको गाइस पीछे नीचे मिशी बांध दिए ना जो तो डॉग है मेरा आपने देखा होगा तो नीचे पीछे से आवाज़ें करती है उससे भी मिलाते हैं आपको। मिशी मिशी अकेले लचड़ो रहा अकेले लचड़ो गारे हैं नीचे दिए अरे मिशी दी मिशी दी टहले छोट चाहिए हैं गुड़ी जाने टहले छोट चाहिए छोट चाहिए वेड़ी मिशी दी अकेले दी रहा पीछे को दी जगह ची वेड़ी मिशी खुश ना भाई खुश कहाँ जा रही है। गाइस इसको पोटी लगी देखो खुद आवाज़ करी थी और नीचे आ गई घर घर से नीचे आ गई इस तरफ,
ये देखो करने देते पोटी यार, किसी की प्राइवेसी क्या मतलब है ना तंग करनी। तो गाइस नज़ारे देखो कितने ज़्यादा ज़बरदस्त हो रहे हैं इस तरफ से, देखो कितने वो अल्टीमेट वाले पहाड़ नज़र आ रहे हैं यहाँ देखो। तो गाइस ये है मेरी बुआ एंड ये है सैना, और बुआ गए थे पार जो मेरा गांव है वहाँ पे, एंड वहाँ पे मार किया था। तो बुआ वहाँ से लेके आए ये खीरे ककड़ी मतलब पहाड़ी ककड़ी, तो अब इसको खाते हैं। एंड नमक वगैरह एकदम मुँह में पानी आ रहा है इसको देख के, जैसे मूड तो नहीं था लेकिन फिर मन जाता यार मतलब एकदम स्वादिष्ट पहाड़ी चीज़ देखे। तो करते हैं इसको गाइस, देखो यार मतलब कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट है, मुँह में पानी आ रहा है इसमें। तो पहले इसको खा लेते हैं ठीक है। गाइस मिसी देखो, मिसी को अभी चाहिए, मिसी खानी का खड़ी मिसी ना, ये कहाँ से खाएगी यार ये। तो पूरा मतलब नेक्स्ट लेवल टेस्ट हो रहा है इसका। तो यार चलो यार दोस्तों, तो आज आपको ना इन पहाड़ों पे बस हुए गांव को दिखाते हैं ठीक है, जूम करके, क्योंकि मेरे पास फ़ोन जो है थोड़ा तगड़ा फ़ोन है, उसको जूम भी ठीक ठाक ही हो जाएगा लेकिन थोड़ा ब्लर हो जाएगा। तो ये देख लो गाइस, ये देखो ये जितने भी है ना, ये देखो ये घर वगैरह, ये सारे इंसानों के इंसान यहाँ पे बसते हैं। अगर सामने से हमारी तरफ कोई जूम कर रहा है इस तरह, हमारा हमारी तरफ का ऐसे कोई व्लॉग बना रहा है वीडियो बना रहा है, तो उस उनको हमारे घर भी इसी तरह से छोटे छोटे दिखेंगे। ये देखो तो कुछ इस तरह से गाइस इंसान बसे हुए हैं, ये देख सकते हो। और गाइस ऐसा है ना कि हमारे यहाँ पे ऐसे कोई बड़ा गांव नहीं होता जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है कितना बड़ा गांव होता है, ना वैसा नहीं होता हमारे। देखो ये देखो, ये देख पा रहे हो बाहर आप, ये है मेरा गांव, ये देखो ये जो आप देख पा रहे हो ये मेरा गांव है। तो इसका अलग नाम है ना, और ये जो ऊपर ये देख पा रहे हो ना घर, ये तो ये भी एक अलग गाँव है, इसका भी अलग नाम है। और वो जो ऊपर देख पा रहे हो ऊपर वाली पहाड़ी पर, इसका भी अलग नाम है। तो इस तरह से छोटे छोटे बस दो चार घर मिल गए तो वो गाँव के नाम है। तो ये आप पार देख पा रहे हो ना, ये बगीचा है तो इसका भी अलग नाम है। तो हर एक जगह का हर एक पॉइंट का यहाँ पे कुछ ना कुछ नाम डाल के रखा अपने यहाँ की लोकल में। और गाइस देखो कि पहाड़ में रोड किस तरह से कट रही है, देखो कितना बड़ा पहाड़ है, यहाँ देखो रोड, देखो इस किस तरह से रोड यहाँ पे कट रही है। ये देखो हाल ही में बनी तब इसकी है जो मिट्टी वगैरह इतनी क्लियर है, इसके ऊपर अभी तक घास वगैरह नहीं हुई। तो देखो इस तरह से रोड बनती है, किस तरह से है ना घूम घाम के ऐसे, ये देखो यहाँ से आएगी फिर यहाँ से ऐसे घूम घाम के फिर ऐसे फिर जाके इसका जो ऊपर जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचेगी। जिग-जैग टाइप की रोड बनाई रही है देखो इस तरह से। तो दोस्तों अब टाइम हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। होपफुली गाइस आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो कह देना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं करता हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय हिमाचल एंड बाय बाय, सी यू सून।